ग्वालियर में लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए महापौर शोभा शिकरवान ने नई पहल शुरू की है। महापौर ने लोक मंत्रणा की शुरुआत की है। महापौर डॉक्टर शोभा शिकरवान ने निगम मुख्यालय में पहली बार लोक मंत्रणा का आयोजन कर जनता की समस्याएं सुनी। बता दें, शहर के लोगों की जन समस्याओं को निपटाने के लिए लोक मंत्रणा शुरू किया गया है। नगर निगम कार्यालय में महापौर की लोक मंत्रणा शुरू हुई है। शुरू हुई लोक मंत्रणा हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को लगातार आयोजित होगी। बता दें, महापौर की लोक मंत्रणा में नगर निगम के अधिकारियों की टीम मौजूद रही। इस दौरान ग्वालियर के करीब 100 से ज्यादा लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कांग्रेस के पार्षद ने भी अपने इलाके में जो है सड़क पर गड्ढे को लेकर महापौर से शिकायत की, साथ ही अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। महापौर ने अधिकारियों को इन समस्याओं के निर्देश दिए। इसके साथ ही पानी, सीवर सहित अन्य समस्याएं महापौर के पास पहुंच हुई। महापौर का कहना है कि लोगों की समस्याएं हल करने के लिए ही ये पहल शुरू की है। वहाँ करीबन जो है 50x60 या 40 का एक गहरा गुलाजम गड्ढा है, रोड का त्राया है, उसमें 2.5-3 फुट पहला पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है। वहाँ से बाइक भी निकल पाती और गाड़ी निकल पाती, कार वगैरह। तो इन्होंने सर्वे किया, लेकिन अधिकारी खासकर हमारे जो प्रभारी हैं APS जादौन साहब, इनको इतना भी नहीं है कि वहाँ पर जिन्होंने कहा बीच में भी गाओ, मैं बराबर हर हफ्ते में बोल रहा हूँ कि भैया कम से कम इसको भरवा दो, तो इनके पास में कोई काम करने की व्यवस्था नहीं है। आज पहले गुरुवार को, तीसरे गुरुवार को लोक मंत्रणा का हम लोगों ने रखा है, जिसमें लोग आकर अपनी जन सुनवाई रखेंगे और उनकी समस्याओं को हम लोग सुनेंगे और सभी मतलब क्षेत्र उसको लेकर, क्षेत्रों को लेकर अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। जैसे जल को लेकर है, स्ट्रीट लाइट है, किसी के मकान को लेकर है, तो सभी समस्याओं के अधिकारियों को भी सूचित किया गया है कि उनका निराकरण करें। और सभी लोगों की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, सबके अलग अलग टाइम दिए गए हैं और उसके बाद जब हम लोग अगली जन सुनवाई में बैठेंगे तो देखेंगे कि कितने काम हुए, नहीं हुए, तो फिर उन पर कार्रवाई की जाए।